जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने मीडिया क्वेरीज के बारे में आप लोगों को बताया था, और यहाँ पर ग्रिड में भी हम लोग मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिना टाइम को वेस्ट किए एक tut45.html नामक फाइल बनाऊंगा, और इसके अंदर बॉयलर प्लेट को रखकर मैं लिखूंगा यहाँ पर CSS ग्रिड प्लस मीडिया क्वेरीज। जो मैंने प्रोजेक्ट बनवाया था आप लोगों को, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मीडिया क्वेरीज हैं, अगर मैं जाऊँ वेबसाइट पर और यहाँ पर वेब डेवलपमेंट वाली सीरीज़ में जाऊँ, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाकर दिखाई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो सोर्स कोड दिया था उसमें मैंने लिंक में, यानी कि जो मेरा लिंक टैग होता है उसी के अंदर मैंने आप लोगों को मीडिया क्वेरीज लगाकर बताई थी। लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को मीडिया क्वेरीज क्वेरीज मैंने आप लोगों को बताया था अलग से, और मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था कि इस तरह से आप लोग मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल मीडिया क्वेरीज भी लिख सकते हैं। और मैं भी क्या करूँगा, बिल्कुल इसी कोड का इस्तेमाल करते हुए देखो क्या करता हूँ, ठीक है? तो मैं एकदम इसी कोड को कॉपी करूँगा यहाँ से, आप लोग टाइप कर लेना, मैंने कॉपी कर लिया है क्योंकि थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ मैं, क्या करूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, गो लाइव पे क्लिक करूँगा और मैं लाइव आ जाऊँगा अपने लाइव सर्वर की मदद से। तो इंस्पेक्ट किया मैंने, रिस्पॉन्सिव करूंगा इस वेबसाइट को, छोटा करूंगा जैसे ही कुछ गड़बड़ हो गया, देखता हूँ मैंने किस चीज़ को। ओके, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग बॉक्सेस हैं जिनको मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह दिए हुए हैं, तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पर सब जगह पर बॉडी को बैकग्राउंड कलर दूंगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर बॉडी को बैकग्राउंड कलर दूंगा, और आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब आप मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करते हो तब आप लोग की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये होती है कि काम भी कर रही है नहीं कर रही है, मीडिया क्वेरी फायर भी हो रही है नहीं हो रही है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को अलग अलग कलर दे देते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग बदलेंगे अपनी विड्थ को, वैसे वैसे क्या होगा, हमारी जो बैकग्राउंड है बॉडी की वो बदलती जाएगी, ठीक है? सो कौन सा कलर कोई रह गया होगा, अगर कलर तो ग्रीन रख लेते हैं इसको, और अभी देखना है यहाँ पर, अभी रेड है, ब्लू हुआ, येलो हुआ, ग्रीन हुआ, ठीक है? तो जैसे जैसे विड्थ चेंज हो रही है वैसे वैसे कलर चेंज होता जा रहा है। तो मैं अलग अलग डिवाइसेस में अपनी वेबसाइट को अलग अलग तरह से रेंडर करना चाहूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले वो वेबसाइट बना लेता हूँ। सबसे पहले तो डिव डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर मान लो मैं रखना चाहता हूँ एक नैव बार, ठीक है? तो नैव बार रखूँगा, उप्स, नैव बार, ये क्या हो गया, ओके नैव रखूँगा। और यहाँ पर नेविगेशन के अंदर मान लो मैं रखना चाहता हूँ होम अबाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है? फिर मान लो मैं एक यहाँ पर नीचे एक लेआउट बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ असाइड, ठीक है? असाइड के अंदर मैं एक हेडिंग टैग रखूँगा मान लो, और उस हेडिंग टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं उस हेडिंग टैग के अंदर रखना चाहूँगा मोर अबाउट अस, ठीक है? और असाइड के ऊपर ही मैं एक यहाँ पर सेक्शन बना देता हूँ जिसके अंदर मैं क्या रखूँगा, एक हेडिंग टैग रखूँगा, और एक काम करता हूँ इसको H2 कर देता हूँ, छोटी हेडिंग रहेगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लर्न CSS इन हिंदी, मान लो एक ब्लॉग है, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर को डिस्प्ले दे दूंगा ग्रिड की, डिस्प्ले ग्रिड दे दिया मैंने कंटेनर को, कंटेनर मेरा ग्रिड बन चुका है, ठीक है? और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर सारी ग्रिड की प्रॉपर्टीज यूज़ करी थी वो एकदम यूज़ कर लेता हूँ सारी की सारी। मान लो मैं यहाँ पर ग्रिड गैप यूज़ करना चाहता हूँ, ग्रिड गैप मैंने 1 rem यूज़ कर लिया मान लो, तो नो सरप्राइजेज यहाँ पर। ये इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, इसको एक स्टाइलिंग देता हूँ जिसमें मैं एक क्लास बनाऊँगा स्टाइलिंग ST नाम से, या फिर एक काम करता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर नाउ की नाम से क्लास बनाता हूँ, और उसमें मैं रखूँगा बॉर्डर 2 pixel सॉलिड ब्लैक, पैडिंग दे दूँगा 23 pixel, और उसी के साथ साथ क्या दूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूँ वीट। और यहाँ पर देखो इसका बैकग्राउंड कलर अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऐड ही नहीं करी है क्लास, तो BDR रख देते हैं क्लास का नाम, थोड़ा छोटा रखेंगे ना तो सही रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्लास BDR करना चाहता हूँ इसको, और ये जो क्लास BDR मैंने लिखा है इसको मैं सब जगह कॉपी करना चाहता हूँ, तो इसको यहाँ से हटा के यहाँ रखता हूँ, क्लास BDR, सेक्शन में भी क्लास BDR, उसी के साथ साथ नैव में भी क्लास BDR, ठीक है? सो ये देखो अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया, लर्न CSS इन हिंदी मैंने यहाँ पर कहाँ कहाँ लगा दिया, मैंने असाइड, एक तो असाइड ये बनाया था तो मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ करी है,
थोड़ा सा मैं लेआउट ठीक कर लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, नेव है, असाइड है, और असाइड मैंने कितने सारे बना दिए, इनफैक्ट मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, सिर्फ सेक्शन में क्लास ऐड करनी चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी है कॉपी पेस्टिंग के टाइम पर, आप मत करना ठीक है। क्लास इज इक्वल टू कंटेनर है, नैव में भी एक क्लास ऐड करनी है, दैट्स इट, और यही करना है मुझे, ये तीन जो डब्बे हैं काइंड ऑफ वो मेरे बने हुए हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा, इनको किस तरह से मैं स्टाइल करता हूँ, तो मैं ये जो मैंने डिस्प्ले ग्रिड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर जो ट्यूट 43 में मैंने आप लोगों को बताया था ये रिपीट ऑटोफिट वाली कहानी, ये मैं इसको देने वाला हूँ ठीक है। मैं कुछ इस तरह से इसको दूंगा, या फिर एक काम करते हैं इसको ये लेआउट वाली बात इस पर रख देते हैं ठीक है। टेम्पलेट एरियाज वाली जो बात थी, तो यहाँ पर टेम्पलेट एरियाज वाली जो बात थी वो यहाँ पर कह दूंगा फिर से मैं, नैव बार है, सेक्शन है और असाइड है ठीक है, और फुटर है मेरा, फुटर भी रख देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं फुटर भी रख देता हूँ, और यहाँ पर कॉपीराइट कोड विद हैरी और 2020 ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा कि मान लो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इन सब चीज़ों को, मैंने यहाँ पर ग्रिड इसकी सेट कर रखी है, सो यहाँ पर मैं इसको अपनी CSS के अंदर डाल दूंगा, सेव किया, और ये देखो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये मैंने फुटर में क्लास ऐड नहीं करी है वो वाली, तो यहाँ पर भी ये वाली क्लास ऐड कर देता हूँ फुटर के अंदर। तो ये मैं जैसे ऐड करूँगा, अभी ये जो है एक लेआउट सा बन गया है ठीक है, और लेआउट को ठीक करने के लिए जो पैडिंग टॉप है उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, एंड आई नो कि यहाँ पर ये सब चीज़ें करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अगेन थोड़ा सा रियलिस्टिक, थोड़ा सा तो कुछ हद तक मैं बनाना चाहता हूँ इसको ठीक है। ये मैंने कुछ ऐसे बना दिया मान लो ठीक है, और इसके अंदर मैं काफ़ी कंटेंट डालने वाला हूँ। ये जो नैव बार है मेरा, मैंने लगता है नैव बार में यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है, नैव बार में मैंने ओके मैंने यहाँ पर आईडी नैव बार नहीं दी है इनको, तो मुझे इनको, मैं इनको एक काम करता हूँ, इनको इनके टैग से सेलेक्ट करता हूँ, नैव इसको सेक्शन से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको असाइड से सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है, और अब जो है काम हो जाएगा। तो देखो एक काइंड ऑफ वेबसाइट लेआउट बन गया है ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसकी विड्थ कम करूँ, अब देखो मैं इसकी विड्थ कम करूँ तो मुझे ये यहाँ तक सही लग रहा है, यानी कि जैसे ही येलो वाला आएगा तो शायद अगर लर्न CSS हिंदी के नीचे आ जाए मोर अबाउट अस तो अच्छा रहेगा। तो जहाँ पर बैकग्राउंड कलर मेरा येलो मैंने किया हुआ है, मैं चाहूँगा कि वहाँ पर मैं क्या करूँ, मैं चेंज कर दूँ इस चीज़ को, कंटेनर का जो मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, मैं चाहूँगा कि ये चेंज कर दूँ जहाँ मेरा बैकग्राउंड कलर येलो हो रहा है। और उप्स मैंने गड़बड़ करी, यहाँ पर बॉडी को बैकग्राउंड कलर येलो देना है, और यहाँ पर मुझे डिस्प्ले ग्रिड है, ग्रिड गैप भी है, टेम्पलेट एरियाज को मुझे चेंज करना है, और मैं चाहूँगा कि जो टेम्पलेट एरियाज हैं ये क्या हो, सेक्शन 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 कुछ इस तरह से करूँगा सेक्शन, और यहाँ पर सब जगह साइड कर दूंगा। तो ये मैंने जैसे ही किया तो देखो यहाँ पर ये भी ऐसे हो गई वेबसाइट मेरी, और ऐसे बड़ा करूँगा तो देखो ये ऐसी हो गई, और ऑब्वियसली ये जो ग्रीन कलर का मैंने बैकग्राउंड लगाया है ये सिर्फ देखने के लिए लगाया है, और मैं ऐसा कई बार करता हूँ, और आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने इक्का दुक्का लोगों ने पूछा मुझसे कि ऐसा क्यों करते हो, वेबसाइट ख़राब क्यों करते हो, तो मैं बता दूँ, देखो ग्रीन बैकग्राउंड लगा दिया अगर मैंने तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ तक मेरी एक मीडिया क्वेरी फायर हो रही है, यहाँ पर दूसरी फायर हो रही है, एंड आई नो कि मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, बट ऐसे कंफर्टेबल रहता है, और मैं सारे बैकग्राउंड बॉर्डर्स ये सब चीज़ें आराम से हटा सकता हूँ एट दी एंड। तो कभी भी डेवलपमेंट कर रहे हो वेबसाइट का, मैं कहूँगा ये सब चीज़ें आप लेके चलो ठीक है। और यहाँ पर मुझे कुछ करने की चुल आ रही है, और वो क्या चुल है मैं आपको बता देता हूँ, वो चुल ये है कि मैं फुटर के अंदर टेक्स्ट लाइन को सेंटर करना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि नहीं करके भी हो जाता लेकिन ठीक है, मुझे थोड़ा ये ऐसे देखने में मज़ा आ रहा है। तो अभी एक लेआउट सा बन गया है देखो यहाँ पर इस तरह से, और ये देखो इस तरह से ये एक के ऊपर एक आ गया है, लेकिन देखो ब्लू जैसे ही हुआ ये वापस ऐसे आ गया ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ब्लू है अगर मेरा ये बैकग्राउंड कलर मेरा जो हो रहा है मेरा ब्लू जहाँ पर, वहाँ पर मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाए और ठीक है। किस तरह चेंज करूँगा कहानी को, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, मैं जहाँ पर मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है वहाँ पर मैं कहानी को चेंज करते हुए क्या करूँगा, ब्लू यहाँ पर हो रहा है मेरा बैकग्राउंड, मैं यहाँ पर जो नैव बार है मेरे इसके अंदर ही जो होम वगैरह इनको भी चाहूँगा कि एक ही लाइन में आ जाएंगे वर्टिकली, वो भी कर सकता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पर मैंने जैसे ये किया ब्लू में भी बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस साइज़ पर अगर कुछ और हो, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ फॉर सम रीज़न मैं मोर अबाउट अस नहीं दिखाना चाहता हूँ छोटे फ़ोन्स में, छोटे डिवाइसेस में, तो मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं कहूँगा यार साइड को मत दिखाओ ठीक है, इसको ऐसे रखो, और जैसे ही मैंने ये किया जो मोर अबाउट अस है वो नीचे आ गया। तो इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा या फिर इसको ग्रिड को ऐसे ही रहने दूँगा, और यहाँ पर फिर लिख दूँगा कि जो असाइड है उसकी डिस्प्ले कर दो नन ठीक है।
तो ये मीडिया क्वेरी ऐसे फायर हो गया। देखो यहाँ पर किया तो असाइड आ गया, यहाँ पे हिडन हो गया वो, फिर यहाँ पर देखो वापस से फ़ोन आ गया मेरा। हो सकता है फ़ोन में मैं ये जो मेरा मोर अबाउट है वो वापस दिखाना चाहूँ फॉर एनी रीज़न। मुझे मालूम है कि जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो रियलिस्टिक नहीं हो सकता है, लेकिन मीडिया क्वेरी से बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो मान लो ये जो मैंने होम अबाउट है ये सब चीज़ें लिखी हैं, अब ये सब चीज़ें मान लो मैं इनको स्पैन स्पैन बना के लिखता हूँ, ठीक है। होम लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो अबाउट सर्विसेज और कॉन्टैक्ट। तो ये अभी ऐसे आ रहे हैं, ये देखो ऐसे आने लग गए, ये ऐसे आने लग गए। तो मान लो मैं चाहता हूँ कि ये अपने अपने लाइन में आए नीचे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो स्पैन है मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहीं पर करूँगा इस चीज़ को। मैं कहूँगा यार ये जो स्पैन है ना, ये इसका क्या करता हूँ, इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा तो ये क्या करेंगे, नीचे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं हो सकता है इसकी डिस्प्ले ब्लॉक करना चाहूँ, जैसे ही मेरा ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्पैन की डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूँगा। और आप इसको आइडिया क्लासेस से टारगेट करना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो देखो जैसे ये ऐसे होगा, मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ करी है क्या, हाँ देखो जैसे येलो आया तो यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक कर दी और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूंगा। तो ये देखो अभी बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बन गई है। तो छोटा करो अगर इसको तो ये ऐसे आ रहा है। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये स्पेन वाली बात है, ये मैं ब्लू बैकग्राउंड में भी ऐड करूँगा, ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड में भी ऐड करूँगा, रेड बैकग्राउंड में भी ऐड करूँगा। तो यहाँ पर जो है मैं इस चीज़ को इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। और जो वैल्यूज़ मैंने दी हुई हैं उसके हिसाब से आप जो है देखो ये एकदम रिस्पॉन्सिव बन गई है वेबसाइट। ये देखो मैंने यहाँ तक लेकर आया तो ये ऐसे दिख रही है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लेकर आया तो ये ऐसे दिख रही है, फिर मैं चाहता था कि मोर अबाउट अस गायब हो जाए तो वो गायब कर दिया मैंने। और इस चीज़ को मैं रेड बैकग्राउंड में भी गायब करता हूँ, असाइड को, तो असाइड को रेड बैकग्राउंड से भी गायब कर दिया। तो मीडिया क्वेरीज से सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आ रही है कि ये जो मेरा असाइड है ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ आपने एक गायब किया है ना असाइड को, वहाँ पर अगर आपके ग्रिड में गैप आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ की सबसे पहले आप देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बाद आप उस हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर ये गैप आ रहा है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ मान लो, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो जो रेड वाला मेरा बैकग्राउंड है उसके अंदर मैंने सबसे पहले तो टेम्पलेट एरियाज नहीं डाला है, तो वो डाल दूंगा। और अब जो है वो मेरी प्रॉब्लम देखो सॉल्व हो गई है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी कोई वजह होती है और आप उसको जो है हमेशा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ग्रिड के साथ मीडिया क्वेरी मैं दिखाना चाहता था, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। अब ये जो लर्न सी एस एस इन हिंदी मैंने लिखा हुआ है, हो सकता है मैं इसके बाद कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ ऐड करना चाहूँगा। हो सकता है लॉरेम 34 तो कम कर दिया मैंने, लॉरेम 122 कर दूँ मान लो, ये क्या कर दिया मैंने, लॉरेम 122। और यहाँ पर ये देखो बहुत सारा टेक्स्ट आ गया, मान लो ये आर्टिकल है मेरा, मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोन में ऐसा दिखेगा, देखो कितना सही दिख रहा है। तो अभी हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना दी है, अब इसकी जो है सीमा तो असीम है, आप कहाँ तक इसको ले जा सकते हो ये तो आपका टैलेंट है। किस तरह आप ये जो चारे मैंने आपको हथियार दिए हैं, जैसे कि मीडिया क्वेरीज, फ्लैक्स बॉक्स, एनिमेशंस, सीडो सिलेक्टर्स, ये सब हथियार हैं, अब आप इन हथियार का कैसे प्रयोग करते हो ये आपके ऊपर है। और आप, मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन दिलाना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी वेबसाइट बना सकते हो आप, कोई भी वेबसाइट, कितनी मतलब कोई भी वेबसाइट आप देखोगे ना। अब पहले मैं वेबसाइट्स को ऐसे देखता था कि जैसे ये बड़ी अच्छी दिख रही है वेबसाइट, और नहीं अच्छी वो अब भी दिखती है, लेकिन मैं ऐसे देखता था कि ये कैसे बनाई गई होगी। लेकिन अभी मैं एक वेबसाइट को ऐसे देखता हूँ, मुझे दिखता है ओके नैव बार, ओके फ्लैक्स बॉक्स, ओके इसमें ये फ्लैक्स बॉक्स में ऐसे कर दिया, हो सकता है इन्होंने जो है इसको इस तरह जस्टिफाई किया होगा, सारे आइटम्स साइड साइड आ जाएँ। इसके बाद यहाँ पर पैडिंग दे रखी है, मार्जिन दे रखी है, फिर यहाँ पर इन्होंने इसकी जो है मैक्स हाइट जो है वो सेट कर रखी है, या फिर बटन दे रखे, जो भी चीज़ कर रखी है उन्होंने, यहाँ पर हो सकता है एक ग्रिड हो, तो इस तरह से देखता हूँ मैं। हो सकता है ये ग्रिड हो एक, जिसमें 1 2 3 ये इन्होंने जो कॉलम्स हैं वो बनाए हों, और 2 रोज़ बनाई हों और इनको स्पैन कर दिया हो। फिर मैं देखता हूँ, मुझे लगता है यार ये सेंटर में होता तो शायद अच्छा दिखता है इनका, तो वो सारी चीज़ें मैं उस नज़र से देखने लग जाता हूँ फिर। सो आप लोग भी जो है इसी नज़र से देखो वेबसाइट को, और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बनाओ और मुझे दिखाओ यार कमेंट में कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स बनाई इस कोर्स की मदद से। जो थोड़ी बहुत भी मदद मैंने आप लोगों की करी है ये चीज़ सीखने में, मुझे दिखाना काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के। अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ साथ अगर ये प्लेलिस्ट आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है तो यहाँ पर क्लिक करके इसे बुक मार्क कर लें और यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लें। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि अगर आप लोग वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, अच्छी वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स देखें और
अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाया उसके बाद, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सोर्स कोड जो है वो सारा डिस्क्रिप्शन में मैं देता जा रहा हूँ। जैसे मैंने आज वीडियो अपलोड किया तो हो सकता है मुझे थोड़ी देर लग जाए सोर्स कोड अपलोड करने में, लेकिन कल तक आपको सोर्स कोड मिल ही जाएगा। इमीडिएटली आप जो है खुद टाइप करने की कोशिश करो सोर्स कोड को। वैसे मैं काफ़ी जल्दी सोर्स कोड डाल देता हूँ आजकल, अगर कोई कॉमेंट में मुझे बताता है कि सोर्स कोड नहीं डाला है, मैं भूल भाल गया, तो तुरंत मैं डाल देता हूँ सोर्स कोड। सो आई होप कि ये वीडियोज़ हेल्पफुल रहे होंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।